मैं काजमी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जो रेसिपी किसी की फरमाइश पे लेकर आई हूँ। उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया और फोन किया कि उनको आज पूरी, हलवा और छोलों की रेसिपी चाहिए, तो चले मैं आपको सबको दिखाती हूँ। ये है ओनियन, दो ओनियन मैंने चॉप किए थे, लहसुन अदरक था, आधी चम्मच यानी टी स्पून मैंने हल्दी ली थी, हाफ टी स्पून मैंने रेड चिली ली थी, पेपरिका हाफ टी स्पून, कुटी मिर्चें हाफ टी स्पून, एक टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया था लेकिन हिस्ब मामूल, और ये मैंने जीरा पाउडर लिया था, दो से तीन मिर्चें मैंने हरी काटी थी, कोरिएंडर मैं हमेशा ज्यादा डालती हूँ बिकॉज मेरी एक आदत है, दो टमाटर है। तो ये सब, ये है मेरी चिकपीस की रेसिपी है। मैं आपको चिकपीस पहले बनाना सिखाती हूँ। ये मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया मैंने, इसके अंदर हाफ कप ऑयल का डाल रही हूँ। ऑयल गर्म होने दें, उसके बाद मैं अपना इसके अंदर ओनियन डालूंगी। देख लें भाई, मैं आपकी फरमाइश के लिए ये चिकपीस बना रही हूँ, पूरी बना रही हूँ, हलवा बना रही हूँ, और आप ये रेसिपी घर में ट्राई करें, एंजॉय करें इसको मजे मजे से। प्याज थोड़ा सा ब्राउन होने दीजिए। थोड़ा सा ब्राउन होगा, दो से तीन सेकंड, एक दो मिनट लगेंगे। अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल रही हूँ, और ये मैं आप लहसुन अदरक की पेस्ट डाल रही हूँ, सॉल्ट, ये मैं सूखा धनिया डालूंगी, कुटी मिर्चें, हल्दी, लाल मिर्च और ये पेपरिका, चिली भी साथ ही डाल रही हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी जरूर डालूंगी क्योंकि ये जल ना जाए। देखिए मैंने मसाला बिल्कुल पक गया है और मसाले का ऑयल भी ऊपर आ गया है, ये देखिए। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने दो कप चिकपीस रात में उबाल लिए थे और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा सूखा धनिया मिक्स करूंगी। ये देखें, हरा धनिया मिक्स किया है मैंने, पांच से छह मिनट और पकने दूंगी ताकि इसके अंदर चिकपीस और हरा धनिया मिक्स हो जाए। ये चिकपीस रेडी हो चुके हैं, ये देखें चिकपीस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और भुनाई भी हो गया है चिकपीस को। अब मैं चिकपीस को डिश आउट करने लगी। चिकपीस रेडी हो चुके हैं। एक कप ऑयल मैं इसमें से लूंगी, आधा कप सूजी है, एक कप चीनी का है और हाफ टी स्पून है मेरी इलायची। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने एक कप इसमें ऑयल डाला है, ये मैं इसमें इलायची डालूंगी, ऑयल गरम हो रहा है, ऑयल जरा सा गरम होने दें। ये सूजी अब डाल रही हूँ, सूजी को अच्छी तरह भूनना है।
देखें सूजी अच्छी तरह भून गई है और सूजी में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये मैं पानी डाल रही हूँ, ये अभी चीनी डालेंगे। ये जिसको कलर डालना है डाले, जिसको नहीं डालना वो ना डाले, अपनी अपनी चॉइस होती है। आप दिखाएंगे प्लीज, देखें कितना मजेदार कलर आ रहा है, खतरनाक कलर है। मैं आपको 2 मिनट के बाद फिर मिलती हूँ। थोड़ा एकदम हल्की आंच पे रख दूँ या खुद बखुद भी सख्त हो जाएगा। देखें अब मैं इसको डिश आउट करने वाली हूँ। जिसको थोड़ा पतला रखना होता है वो पतला रख सकता है, जिसको थोड़ा गाढ़ा रखना हो वो गाढ़ा रख सकता है, लेकिन हलवा जब भी ठंडा हो जाता है वो सख्त हो जाता है। यमी यमी बना, देखें मजेदार। जिस किसी ने कोकोनट डालना है, पिस्ता बादाम डालना है वो अपनी मर्जी, लेकिन मेरी फैमिली को सबसे ज्यादा कोकोनट पसंद है। ये देखें मैं कोकोनट डाल रही हूँ। ये देखें यमी यमी आपका हलवा, सूजी का हलवा। मैदा गूंदना सिखाती हूँ। ये 2 कप मैदा है, 2 टीस्पून योगर्ट है और 1 टीस्पून सॉल्ट है। 1 से 1.5 कप का हमने पानी का इस्तेमाल कर लिया, एक आधा, बहुत मुश्किल से एक आधा कप होगा, ज्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि इसको पूड़ियों का हलवा जरा अच्छी तरीके से होना चाहिए। मैं इसके अंदर गूंदूंगी। ये देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें इसमें मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, ठीक है, और ये मैं डाल रही हूँ योगर्ट। ये देखें सारा अच्छी तरह मिला लेना, अच्छी तरीके से योगर्ट भी जो अंदर मिलाया है, सॉल्ट भी है, तो वो देखें। मैं आटा गून चुकी हूँ, बिल्कुल अच्छा गून गया। ये देखें जैसे आटा आपको अच्छी तरह गून जाए, ये उंगली आपकी आटा ऊपर वापस आएगा। अब मैं अपनी प्लेट को ग्रीस करती हूँ, ठीक है, और अपने हाथ में थोड़ी सी ग्रीस लगाऊंगी ताकि सारे पेड़ों को ऑयली करके हल्का फुल्का, नॉट टू मच, ज्यादा नहीं करना। और ये मैं अपने हाथ को भी अब करती हूँ। ये देखें अब मैं पेड़ा बनाती हूँ। ये देखें पेड़ा बनाया। अब इस तरह मैं सारे पेड़े बना बना के रख लेती हूँ और 15 मिनट तकरीबन पेड़ों को दें, पूरी फूलने में अच्छी लगेगी। और योगर्ट इसलिए मैंने इसमें डाला है कि पूरी थोड़ी सी नरम रहेगी, ज्यादा कड़क कड़क नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको 15 मिनट में मिलती हूँ और अपने पेड़ बनाकर आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई ये जिसने फरमाइश की थी उसके एजाज में बनी है, और अगर काश वो मेरे पास यहाँ होती या होता तो मैं उसको जरूर देती। एंजेलिक्स आपके लिए ये मैंने बनाई है पूड़ियाँ, ये देखें माशाल्लाह बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी करारी करी पूड़ियाँ हैं। और मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मैंने ये सब डिश आउट कर दिया है, पूड़ियाँ, हलवे, चने सॉरी एंड हलवा।
ये आप इसको खाएं और यमी यमी करें, मजे लें, एंजॉय करें। और मैं आप सबसे ये कहूंगी कि थैंक यू वेरी मच मुझे सपोर्ट करने का, मुझे सब्सक्राइब करने का और मुझे कमेंट्स पास करने का और मुझे लाइक करने का। और मुझे इतनी आप लोगों ने हिम्मत दी है, आप लोगों ने बहुत मुझे हिम्मत दी है। ऑनलाइन क्लासेस भी दे रही हैं, कुछ बच्चियां मुझसे क्लासेस भी ले रही हैं, तो थैंक यू अनम, अमन और कुछ और बच्चे हैं, थैंक यू बेटा, आप लोगों ने मुझे मुझ पर ट्रस्ट किया। इंशाल्लाह ताला मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी टीम को भी दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।